बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आज आप सबकी खिदमत में हाजिर है चाइनीज चिली ऑयल की एक लाजवाब सी रेसिपी जो कि मेरे पसंदीदा है, तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर की जाए ये सीक्रेट रेसिपी। चले आए रेसिपी का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपके साथ रेड चिलीज का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही हमारी मेन इंग्रेडिएंट आपको बाजार में इजिली मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेड चिलीज लिए और साथ में गार्लिक लिया। गार्लिक आपको आधा लेना है, ज्यादा नहीं लेना, और ज्यादा रखनी है। इनको ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर देना है और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना देना है, सेम टू सेम जैसे मैंने बनाया है, सेम टू सेम इस तरह। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और इस टाइम बहुत ही प्रिटी लग रहा था। तो चले आए रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट स्टेप आपसे शेयर करते हैं। अगर आज की ये रेसिपी आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चले नेक्स्ट स्टेप करते हैं। पेन में ऑयल डाला, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो रेड चिलीज का पेस्ट बनाया था वो सारा ऐड कर लिया। इसके बाद मैंने इसमें 5 TBS विनेगर ऐड किया है, कोई भी नॉर्मल विनेगर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सॉल्ट ऐड कर देनी है, सॉल्ट टू टेस्ट। इसके बाद आपने सोया सॉस ऐड कर देना है और वो भी सेम टू सेम 5 TBS। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आपने बिल्कुल हल्की आंच पे ये सारा कुछ करना है, ठीक है जी। तो बिल्कुल हल्की आंच आपने रखनी है। इसके बाद मैंने इसमें शुगर ऐड किया 1 लार्ज टेबलस्पून और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। आँच आपने बिल्कुल धीमी रखनी है, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा हल्का, बिल्कुल मीडियम आँच रखनी है। सारा कुछ डालने के बाद आपने इसको 15 से 20 मिनट्स के लिए लो मीडियम हीट पे रख देना है और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं 20 मिनट्स में ये ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चाइनीज चिली ऑयल बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हैं, आपको वीडियो में भी अंदाज़ा होगा कि कितना फ्रेटी कलर आया है और कितने अच्छे से बना है। तो प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई करें और मुझसे अपनी व्यू शेयर करें कि आपको चाइनीज चिली ऑयल कैसा लगा। तो आप इसे 4-8 मंथ्स यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, हराम बिल्कुल भी नहीं होगा। बस आपने सेम टू सेम यही स्टेप अपनाने हैं। तो चले अब इसे इस प्यारे से बॉटल में शिफ्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितने अच्छे से आया है। रेसिपी को ट्राई करें और मुझसे अपनी व्यू ज़रूर शेयर करें। ये थी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।